जब वो आरसपुरा जाते हैं वहाँ कहते हैं अस तू साढ़े पढ़ा दिया। मैं रैना जी भी उसी कम्युनिटी से आते हैं और रैना जी का मुझे अफसोस होता है कि वो हमारी कम्युनिटी से आते हुए उन्होंने अभी पिछले दिनों में बयान दिया कि जो पहाड़ी लोग रहते हैं रजौरी पूंछ नौशहरे तक उन्होंने सीमित कर दिया सुंदरबानी तक, ठीक है, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो। जो हमारे वहाँ से लोग आए, ठीक है, उनको लैंड ऑनरशिप नहीं दी। उस समय नेहरू जी ने जो उस समय की सरकारें थी उन्होंने एक्स ग्रेशिया दिया एक, जो हमारे पास आज लैंड है, उन्होंने बोला हमें खेती बाड़ी के सिवा कुछ नहीं आता, वहाँ ज़मीनें थे खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने उन लैंड के नाम पे 3500 रुपया दिया हमें एक्स ग्रेशिया, नॉट ए कंपनसेशन। हमसे वादा किया आप वापस जाओगे, ठीक है, उस वादे में हमारे बुजुर्ग रहे और उसमें से 2500 रुपया उस समय की सरकार ने काट लिया। जम्मू 1000 रुपया हमें लोन दिया वो हमारे बुजुर्गों ने चुकाए। 370-35 से हटाने के बाद सबसे पहला और प्राइम कर्तव्य इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि POJK को अपने पास वापस लाने की बातें। पर क्या वो वापस लाने से पहले आप ये देख पा रहे हैं कि जो वहाँ से लोग यहाँ पर आए थे वो आज संतुष्टि से रह पा रहे हैं या नहीं, उनके पास वो अधिकार हैं या नहीं, क्या वो अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं या नहीं? शायद हम ये सोच नहीं रहे हैं, पर हाँ बड़े बड़े हांकने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही युवा से मिलाएंगे जो उसी ही कम्युनिटी से बिलोंग करता है। पहाड़ी रिजर्वेशन मिली या नहीं मिली, उन लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ, चलिए आज आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। जतिन इस समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। जतिन, आप इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी जो इस इलाके में रहती है। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि सुंदरबनी वालों के साथ कैसे अच्छे संपर्क हैं या नहीं? बिल्कुल, थैंक यू रति जी, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया बात करने का। सुंदरबनी वाले भी हमारे अपने ही हैं जी। मैं आपको पहले हिस्ट्री की तरफ ले जाऊंगा। सबसे पहले जो हमने फेस किया, जो हमारे परिवारों ने जो वहाँ से उजड़ के आए, जिन्होंने जब कहते हैं अकाल पड़ गया था, नमक का भी अकाल पड़ गया था, एक फटे हुए पजामों में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर वहाँ से आए, तब वो जहाँ से पुंछ पहुँचे, पुंछ से वो रजौरी आए, रजौरी से ये नगरोटा आए, नगरोटा से इनको गुरदासपुर पंजाब भेजा गया, वहाँ रहो, वहाँ से ये ब्रिजनगर आए, सिंबल कैंप आए, बडयाल ब्राह्मणा आए। आप देख लो आज जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है आरसपुरा, सुचेतगढ़, उधमपुर, कठुआ, रजौरी, पुंछ, यहाँ सारे हमारे लोग रहते हैं, पोठवारी बोलने वाले लोग रहते हैं, ये सब पुंछिया कम्युनिटी है। POJK में मीरपुरी आते हैं, मुजफ्फराबादी आते हैं। हम लोग 40,000 परिवार आए थे, 31,619 परिवार रजिस्टर है सरकार के पास और 9,000 जो परिवार थे वह रजिस्टर नहीं हो। ये टोटल मिला के 40,000 लोगों का कुंभ है जो वहाँ से आया था। तब उस समय जो परिवार आए, सरकार ने हमें बोला कि हमारे बुजुर्गों को बोला आप यहाँ रहिए, हम आपको लैंड देते हैं, आप उजड़े हुए आए, हमें वो लैंड दी गई जहाँ कब्रिस्तान होते थे। सियालकोट रोड आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वहाँ से ट्रेन निकलती थी, उसके आसपास के जंगल थे, हमारे बुजुर्गों को लैंड अलॉटेड हुई, उन्होंने जंगल काटे, जहाँ भूत बसते थे वहाँ उन्होंने लोगों को बसने के लिए ज़मीनें ली, अपने नाम पर ली कि हमारे कुंभे रहेंगे वो रहेंगे। उसके बाद उनको एक उम्मीद थी अपने अंदर कि हम जाएंगे, हम वापस जाएंगे। उसके बाद आप देखो 65 हो गया, ठीक है, 71 हो गया, उनकी उम्मीद ही टूट गई कि हम अगर पाकिस्तान के साथ वॉर होगी हम कैसे जाएंगे। उसके बाद 72 में शिमला एग्रीमेंट होता है, वहाँ से LOC डिसाइड होगी, उनके मनोबल ही टूट गया। उन्होंने आज मैंने जो कपड़े पहने हैं, कुछ भी पहने, ये उनकी मेहनत से पहने हैं। आज भी मेरे पास जो ज़मीन है, जो लैंड है जहाँ मैं रहता हूँ, उसकी ऑनरशिप नहीं है मेरे पास पिछले 70 साल से। अभी तक आपको ऑनरशिप नहीं दी गई है, तो आप फिर अगर कोई लोन लेना हो, पढ़ाई करनी हो, एडुकेशन लोन ही लेना हो, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, कहाँ से कर सकते हो? अगर जो भी किया है वो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, जूड़ कहते बैल रखे थे मेरे दादाजी ने, जूड़ काट काट के उन्होंने मेहनतें की, छोटे छोटे राशन की दुकानों से काम किया। आप देखिए, आप बोलते हैं कि POJK की लड़ाई आप हमारे नाम पर लड़ते हैं, UN में 24 सीटें आपने रिजर्व करके रखी हुई हैं। मैं रैना जी भी उसी कम्युनिटी से आते हैं और रैना जी का मुझे अफसोस होता है कि वो हमारी कम्युनिटी से आते हुए उन्होंने अभी पिछले दिनों में बयान दिया कि जो पहाड़ी लोग रहते हैं रजौरी पूंछ नौशहरे तक उन्होंने सीमित कर दिया सुंदरबनी तक, ठीक है, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो, उन्होंने वहाँ तक सीमित। और हमारे रिलेशन, हमारी शादियाँ बच्चियों की वहाँ होती है, वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आती है, हमारे घर परिवार में बच्चियाँ, मैं रहना हूँ वो रहना है। और सबसे हैरानी की बात ये है, जब वो आरसपुरा जाते हैं वहाँ कहते हैं अस तू साढ़े पढ़ा दिया, ये बोलिए पोठवारी, पहाड़ी बोलिए, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पहाड़ी पोठवारी लैंग्वेज। आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं? नहीं, मैं बोल सकता हूँ पर मैं जाता हूँ कि व्यूज़ नहीं समझ पाएंगे उसको, इसलिए मैं आप बाद में ट्रांसलेट कर दीजिए क्योंकि हो सकते हैं कि कई लोग वहाँ के देखें। देखो इसका पता क्या, अब इन्होंने सरकार ने जो हमारे वहाँ से लोग आए, ठीक है, उनको लैंड ऑनरशिप नहीं दी।
उस समय नेहरू जी ने जो उस समय की सरकारें थी उन्होंने एक्स ग्रेशिया दिया एक, जो हमारे पास आज लैंड है, उन्होंने बोला हमें खेती बाड़ी के सिवा कुछ नहीं आता, वहाँ ज़मीनें थे खेती बाड़ी करते, उन्होंने उन लैंड के नाम पे 3500 रुपया दिया हमें एक्स ग्रेशिया, नॉट ए कंपनसेशन, हमसे वादा किया आप वापस जाओगे, ठीक है, उस वादे में हमारे बुजुर्ग रहे, और उसमें से 2500 रुपये उस समय की सरकार ने काट लिया, जम्मू 1000 रुपया हमें लोन दिया वो हमारे बुजुर्गों ने चुकाया, ठीक है। आज जब आप 5.5 लाख 30 लाख रुपये कंपनसेशन इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2014 में बोला दो इनको जी, ठीक है, उन्होंने पहली किस्त आई उसमें लिखा हुआ वन टाइम सेटलमेंट, सबको पता है, अब ये बोल रहे हैं कि दूसरी आएगी भी, दूसरी किस्त भी आएगी, पर हमें दूसरी किस्त नहीं चाहिए, जो एजुकेटेड क्लास है उसको नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को हम चाहते चाहिए, अगर वो आप ही के लिए ला रहे हैं सब कुछ तो आप ही के लिए हो रहा है, फिर क्यों नहीं चाहिए। देखिए आपको पता है PSP आया है कोटा, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, उसमें रिजर्वेशन मिल रही है बच्चों को कि ये पहाड़ी लोग हैं पिछड़े हुए हैं इनको चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मानते हैं। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उधमपुर रियासी में जो पहाड़ी रह रहे हैं उनको क्यों नहीं फ़ायदा मिल रहा है उसका, आपने सुना, आप भी तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहती जी, आप मुझे बताओ आपने सुना कि तहसीलदारों के ऑफिस में PSP कोटा मिल रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, मुझे वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इवन मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरी लैंग्वेज है का, मेरी आइडेंटिटी आपने ख़त्म कर दी है, 2011 के सेंसस में आप बता रहे हो कि इधर 0% पहाड़ी रहता है, कहाँ गए हम लोग। और उसमें भी चला के देखो, जब हमारे पास फॉर्म आते हैं यहाँ पे, उसमें कॉलम आते हैं हिंदी या इंग्लिश या डोगरी आप बोल रहे हो, उसमें कॉलम ही नहीं पहाड़ी का, ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है। जब हमारे लोगों ने बोला हम क्या करें इसमें नहीं है, उन्होंने बोला हम भी क्या कर सकते हैं, उनकी भी गलती नहीं, आप ऊपर फॉर्म भेजते हो वहाँ पे आप लिखते हो पहाड़ी कितनी है, गुजर कितनी है, गोजरी बोलने वाले, तो नीचे आता है ये, आप 4% PSP का बेनिफिट। मैं बताना चाहता हूँ कि ये है कि उसमें अगर आप देखो अभी SI की पोस्टें आई हैं, 800 पोस्टों में उन्होंने 32 सीटें रखी हैं PSP के लिए, जो हमारे बच्चे, जो मैं पढ़ाऊँ, मैं दिल्ली पढ़ा, एजुकेटेड होके पहुँचा कि मैंने अपना इतिहास खोजा कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के आज भी बच्चे रघुनाथ बाजारों में कोई कैलेंडर लगा, इसमें इस कम्युनिटी है सेकुलर कम्युनिटी है, इसमें सिख भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, और हमारी कम्युनिटी के बच्चे कहाँ पे हैं आज, आपने कभी सुना कि पुंछे कम्युनिटी का बच्चा कोई IAS ऑफिसर बना, एक आधा बना होगा अपनी हिम्मत पे, किसी का कोई बेनिफिट नहीं, उस PSP का हमें क्यों नहीं बेनिफिट दिया जा रहा। अब हमारे नाम पे 24 सीटें आपने रिजर्व करके रखी हैं, वहाँ हम 24 सीटों का अचार डालेंगे वहाँ पर, वो तो कह रहे हैं कि भैया आप तो PO जगह हम अपने पास ले आएंगे, फिर तो आपको आपकी लैंड भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। रति जी हम चाहते हैं लें जल्दी से जल्दी लें, पर उधर जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, उनमें मेरा तो घर गुजर गया, मुझे पता ही नहीं है। रविंद्र रैना जी बात करते हैं बिम्बर की हवेली की, बनोती की, सुनोती की, पहले आपको पता है उधर हालात क्या, वहाँ जो पॉपुलेशन आज रह रही है वो कहाँ जाएगी फिर, अगर हम वहाँ चले गए वहाँ की पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, या मेरी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे होगी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मैं यहाँ आया हूँ, कल को जो हमारे होंगे वो कहाँ जाएंगे, मुझे तो इस जगह से लगाव है जम्मू रीजन से, मैं उधर क्या करूँगा जाके। अगर आपने 24 सीटें उधर रिजर्व करके आपने असेंबली में रखी है, तो यहाँ पर जो हमारी 3 पीढ़ियाँ निकल गई हैं, हमें रिजर्वेशन या पॉलिटिकल वॉइस कौन बनेगा, या ऐसा करो ना फिर आप उस 24 के बदले 10 सीटों पे हमारे नॉमिनेट करो आदमी असेंबली के अंदर, 70 सालों में तो नहीं हुआ। अब BJP वाले तब नाचते थे, ये लोग हमारी कम्युनिटी के कहीं हैं, मैं तो कहता हूँ आज उनके बच्चे भी अगर एजुकेटेड है, बीवियाँ छोड़ो उनके बच्चे उनको वोट नहीं देंगे कि ये कर क्या रहे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, उन्होंने आज तक हमें लैंड ऑनरशिप नहीं दी, मैं लोन नहीं ले सकता अपने घर के ऊपर, सेक्शन लगी हुई है उधर, वहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। और सोचने वाली बात है कि अगर आप पॉलिटिकली एक कम्युनिटी को बचाने के लिए उसकी लैंग्वेज को बचाया जाता है, हम मिनोरिटी है, मिनोरिटी कम्युनिटी की तरह, या हमने इनको बोला आप बोर्ड बना दो डिस्प्लेस पीपल, इन्होंने पहाड़ी बना दिया, तो पहाड़ी का हमें क्यों नहीं बेनिफिट मिला। आपने कहा कि आपके वो सगे संबंधी लगते हैं रविंदर रैना जी, सगे मतलब एक कम्युनिटी भाईचारा आ गया जी, तो उनको नहीं जाके बताया कि भैया देखो हम तो आप दोनों भाई भाई, हमारे लोग ही, उन्होंने बोला उनको सर हम भी PSP या आप भी पुंछिया बोल रहे हैं, तो सास भी पुंछी बोल रहे हैं, असाड़ा तो सोचा क्या हो सी असाड़ा, पर वो नहीं है। अब देखो कुछ हमारे मौजूद आदमी हैं, दो आदमियों ने तहसीलदार के पास फाइल लगाई, एक जम्मू से लगाई, वो तहसीलदार ने उनका जवाब नहीं दिया, वो छुट्टी पे चला गया, जब उसने कुछ भी किया, क्योंकि उस नोटिफिकेशन जो 20 अप्रैल 2020 में लिखा उसमें किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा है कि इस डिस्ट्रिक्ट का बनेगा इसका नहीं बनेगा, उसमें लिखा ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, वो फाइल DC के पास चली जाती है, वो DC के पास भी गए, DCG रिकमेंड कर देते हैं GAD डिपार्टमेंट को, वो आगे रिकमेंड कर रहा है लॉ डिपार्टमेंट को, आज तक आंसर ही नहीं आ रहा। तो अब हम क्या हम निष्कर्ष निकालें कि आप लोग पहाड़ी स्पीकिंग हैं भी हैं या नहीं हैं, जम्मू में जो पहाड़ी लोग रहते हैं वो अभी हैं या नहीं हैं, POJK के आसपास के जितने भी और लोग वहाँ से आए थे आप लोग हैं या नहीं हैं क्या। मैं आपके सामने पूरी एग्जांपल हूँ, साक्षात मैं बोल रहा हूँ कि मैं पोठवारी बोलता हूँ, मैं पुंछिया बोलता हूँ,
मीरपुरी लोग हैं, हमारे रिलेटिव हैं, मुजफ्फराबादी लोग हैं, सिख हैं, हिंदू, आप आरसपुरा बेल्ट चल जाओ, बडयाल, रानीबाग, ब्रिजनगर, गाड़ीगढ़, बोर कैंप जहाँ पार्क बना है, बोर कैंप ले लो आप, हीरानगर ले लो, मेरा ननिहाल कीड़ी है जहाँ पे पुंछी लोग रहते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, वहाँ पे उधमपुर रियासी, हम लोग आगे, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी आपने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनकी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी है। बात ये है कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अगर आप कहते हैं POJK को हम वापस लेके आएंगे, हम ताड़ियां बजाते हैं कि बहुत बढ़िया, पर जो लोग वहां से उस समय परेशानियां झेलते झेलते यहां पर बैठे हैं, पहले एक बार उनके बारे में सोच लीजिए। फिर हाँ, हम ये नहीं कहते कि उनको छोड़ दीजिए, POJK को भी सोचिए, पर उससे पहले जो वहां से लोग, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, अगर वो 24 सीटों पे हम कुछ नहीं कर सकते, मैं चाहता हूं यहां पे कम से कम 6 से 7 सीटें हमारे लिए रिजर्व होनी चाहिए, ताकि हमारा, और सुंदरबानी वालों ने तो हमें काट दिया रविंदर रैना जी ने, अब जो भी रिप्रेजेंट होगा, नॉमिनेट होगा, वो यहाँ से होना चाहिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर से या कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, हमें बाहर का आदमी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया हुआ है। फिर कुड़ियाँ कदर लिया नहीं है, क्या करिए फिर, रविंदर रैना जी ने तोड़ दिया रिश्ता। रविंदर रैना जी ने रिश्ता तोड़ा, वो रिश्ता कैसे निभा पाएंगे, इतने लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे, 4% लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात होगी, पर सवालिया निशान ये है कि अब जोड़ना ज़रूरी होगा, सवालिया निशान ये भी है कि इनको इनके अधिकार दिलाना ज़रूरी होगा। आज एक जगह पर सोचिए कि अगर हम कहीं एक जगह पर अपनी कोई चीज़ रख देते हैं, वो भी सोचते हैं कि ये जगह हमारी है, तो सोचिए जो 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, वो आज भी ये सोच रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है ही नहीं, हमें ये अधिकार दिए ही नहीं, क्या ये सही है? हमने ढोल बजाए थे 370 हटने के बाद, वो 370 हटने के बाद वो जो ढोल बजे हैं, क्या वो ढोल असल में इन लोगों के लिए भी बजाए जाएंगे या नहीं, सवालिया निशान। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जमा परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।